महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी शरद पवार गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक ने कहा कि शरद पवार को लोग भारतीय राजनीति का पितामह मानते हैं। शरद पवार का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान करते हैं। सीमा मलिक ने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अमित शाह ने शरद पवार पर इस तरह का आरोप लगाया। जितने देश के दूसरे पार्टी में करप्ट लीडर हैं, उनको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराकर क्लीन चिट दे देती है। बीजेपी आज के समय में वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई भी भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में आता है तो वह दूध का दूल्हा हो जाता है। अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजों का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी शरद पवार गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक ने कहा कि शरद पवार को लोग भारतीय राजनीति का पितामह मानते हैं। शरद पवार का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान करते हैं। सीमा मलिक ने कहा कि बहुत दुख का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के दिन अमित शाह ने शरद पवार पर इस तरह का आरोप लगाया। जितने देश के दूसरे पार्टी में करप्ट लीडर हैं, उनको बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराकर क्लीन चिट दे देती है। बीजेपी आज के समय में वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कोई भी भ्रष्ट नेता उनकी पार्टी में आता है तो वह दूध का दूल्हा हो जाता है। अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।